लाडली बहना योजना के जरिए कांग्रेस सरकार प्रदेश की आधी आबादी को साधने का प्रयास कर रही है, जिसमें महिलाएं आने वाले चुनावों में भारी मतों से शिवराज सरकार को जिताए। इसी को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को सचेत किया है। हरदा जिले की हर बहन का 10 अप्रैल तक लाडली बहना योजना में पंजीयन हो जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सबकी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। पार्टियां जनता को अपने अपने वादों में लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कभी शिवराज महिलाओं को 1,000 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, वहीं कमलनाथ उनसे 2 कदम आगे निकलकर महिलाओं को 1,500 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। शिवराज अपनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को ब्रह्मास्त्र की तरह चुनावों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए उनके मंत्री से लेकर विधायक तक इस योजना का प्रचार प्रसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। शिवराज सरकार में मंत्री कमल पटेल व प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ मिलकर की। बैठक में कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि 10 अप्रैल तक लाडली बहना योजना की पात्र बहनों का इस योजना में पंजीयन हो जाना चाहिए, ताकि हमारा जिला पंजीयन में नंबर 1 पर आ सके। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि हमारा जिला सबसे छोटा जिला है, इसलिए पंजीयन को टारगेट में लेते हुए पूरा करना है। 3 दिन का अभियान चलाएं, पूरा करें या 1 सप्ताह में पूरा करें, वो सबसे पहले हमारा जिला हो जाएगा 100%। और जो लक्ष्य दिया हमने 80,000 का, उससे ऊपर बढ़ के 150% कर देते, एक भी पात्र बहना रह ना जाए। हम लक्ष्य रखें कि हम 1 सप्ताह के अंदर इसको पूरा करेंगे। आज कितनी तारीख है? 3। 10 तारीख तक हम पूर्ण कर देंगे। 10 के बाद में हमारे बहुत सारे दूसरे काम उसमें लगेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।